नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार भारत की T20 टीम घोषित हो चुकी है जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने वाली है। और वहीं आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कौन सा वो दिग्गज खिलाड़ी है जो कि बाहर हुआ है और किस दिग्गज की अचानक से वापसी हुई है टीम में। तो ऐसे में आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को T20 सीरीज में मात दे तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज और 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाने वाली है, जिसमें जो पहला मुकाबला होने वाला है वो T20 मुकाबला होगा जो कि 15 सितंबर से धर्मशाला के मैदान पर भारतीय समय अनुसार 7 बजे से शुरू हो जाएगा। तो वहीं हम आप लोगों को बता दें कि भारतीय चयनकर्ताओं ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज और T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है, जिनमें कई बड़े बदलाव देखने को हमें मिले हैं और वहीं कई चौंकाने वाले फैसले भी यहां पे लिए गए हैं। तो ऐसे में अगर आगे बढ़ते हुए हम जानें कि आखिरकार किस दिग्गज की अचानक से इस लिस्ट में वापसी हुई है। जहां दोस्तों, हम आप लोगों को बताएं कि भारतीय टीम के चयनकर्ताओं ने एक बार फिर से हार्दिक पांड्या पर भरोसा जताते हुए उन्हें टीम में शामिल कर लिया है। और वहीं हम आपको ये भी बता दें कि हार्दिक पांड्या को वेस्टइंडीज दौरे पर आराम दिया गया था जिसके कारण हार्दिक पांड्या वेस्टइंडीज के दौरे पर नहीं खेले थे। और वहीं हम आपको बताएं कि हार्दिक पांड्या की इस बार T20 में 6 महीने बाद वापसी होने वाली है। तो ऐसे में आप लोगों को हार्दिक पांड्या का जलवा मैदान पर देखने के लिए मिल सकेगा 15 सितंबर को। तो वहीं अगर आगे बढ़ते हम जानें कि आखिरकार कौन सा वो दिग्गज खिलाड़ी है जिसके बारे में सब सोच रहे थे कि वो वापस आएगा लेकिन उसे BCCI ने बाहर कर दिया है। तो दोस्तों, ये जो खिलाड़ी है वो कोई और नहीं बल्कि सुरेश रैना है। जी हां दोस्तों, सुरेश रैना दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए सभी की निगाह पर थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वहीं सुरेश रैना ने अभी हाल फिलहाल में घुटनों की भी सर्जरी करवाई थी जिसके बाद लग रहा था कि वो फिट नजर आ रहे हैं और ऐसे में सभी का मानना था कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में सुरेश रैना को चुना जा सकता है। लेकिन एक बार फिर से चयनकर्ताओं ने सुरेश रैना को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और सुरेश रैना को टीम में शामिल नहीं किया गया है। तो वहीं जैसे कि आप लोग स्क्रीन के सामने 15 सदस्यीय भारतीय टीम देख पा रहे होंगे जिसमें पहला नाम है वो है रोहित शर्मा का, दूसरा नाम है शिखर धवन, विराट कोहली, लोकेश राहुल, सुरेश अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल चाहर, दीपक चाहर, खलील अहमद और नवदीप सैनी। तो ऐसे में यही खिलाड़ी हैं जो भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर अपना नेतृत्व करेंगे। तो ऐसे में आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्या सुरेश रैना को एक बार भारतीय T20 टीम में शामिल करना चाहिए था या फिर नहीं। अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को दिखाई गई ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा। मिलेंगे अगली ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।